नमस्कार हम आप सभी को। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कुछ पंक्तियाँ आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जरा गौर करवाइएगा। पहले मैं अपने घर पे रहता था, अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। पहले अनगिनत खाते थे, अब रोटी गिनकर खाते हैं। पहले अनगिनत खाते थे, अब रोटी गिनकर खाते हैं। इस हॉस्टल के खाने में माँ के हाथ के खाने के स्वाद कहाँ आते हैं। और जिससे मैं इश्क करता हूँ, ये शायरी उसके लिए है। तुम जब मेरे करीब होते हो, ये दिल कहीं और नहीं लगता। तुम जब मेरे करीब होते हो, ये दिल कहीं और नहीं लगता। तुम्हें पाया है खुद को खोकर, दिल अब किसी और पे मरेगा ये नहीं लगता। मैं मंदिर वगैरह जाता हूँ तो मैंने सिर्फ उसी को मांगा है, तो मैंने उसके लिए ये शेर लिखा है। मंदिर गुरुद्वारा हर जगह उसे ही मांगा है। मंदिर गुरुद्वारा हर जगह उसे ही मांगा है। ये पूरी हो मेरी ख्वाहिश यही मांगा है। मेरे साथ उसे दुनिया की सारी खुशी मिले। मेरे साथ दुनिया की उसे सारी खुशी मिले। इस तरह कुछ उसे काशी विश्वनाथ से मांगा है। कुछ और है। वक्त के साथ वक्त बीत जाता है। वक्त के साथ वक्त बीत जाता है। ये समझ हमें वक्त पे कहाँ आता है। बीते वक्त पे वक्त याद आते हैं, अब वक्त को भूलने का हुनर सबको कहाँ आता है। ये जो शायरी है मैं जिससे प्यार करता हूँ बस उसके लिए है। ये मैंने तब लिखा था जब मैंने उसे इजहार नहीं किया था। देखा है मेरी आंखों ने जब से तुझे, ये चांद को देखना भूल गया। देखा है मेरी आंखों ने जब से तुझे, ये चांद को देखना भूल गया। दिल को प्यार वफा इश्क मोहब्बत सब है तुझसे, बस ये इजहार करना भूल गया। क्या बात है, बढ़िया। जब वो मुझसे रूठती है और वो मुझसे कहती है कि मोहब्बत नहीं है तुमसे, ऐसा उसने मुझसे कहा, तब मेरे दिल का हाल है मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। ये लफ्ज सुनकर दिल में कितना दर्द होता है, कैसे बयां करूं। ये लफ्ज सुनकर दिल में कितना दर्द होता है, कैसे बयां करूं। जब जान से पहले प्राण निकल जाए, अब कुछ ऐसे बयां करूं। एक और मैंने लिखा है। उसकी खुशी में हर खुशी पाया। उसकी खुशी में हर खुशी पाया। वो रूठे सब कुछ फीका पाया। अपनी सारी खुशियों को है करना उसके नाम। हर गम को मिटा कर करना है खुद को उसके नाम। एक आखिरी है। तुम क्या हो मेरे लिए, कैसे बताऊं। ये इश्क अपना तुम्हें कैसे जताऊं। तुम क्या हो मेरे लिए, ये कैसे बताऊं। ये इश्क अपना तुम्हें कैसे जताऊं। तुम आंखों की भाषा तो समझते ही नहीं, अपने इश्क की भाषा तुम्हें कैसे समझाऊं।